हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये सुंदर सा पर्स बनाएंगे। इसमें मैंने चार पॉकेट बनाए हैं, दो कार्ड रखने के लिए और दो पीछे पॉकेट हैं। एक ज़िपर पॉकेट भी है। ज़िपर पॉकेट के दोनों साइड काफ़ी जगह है जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पर्स ये बना है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कपड़े की लंबाई मैंने 12 इंच ली है और कपड़े की चौड़ाई 9 इंच है। इस तरह से फोल्ड करके हम बैग बनाएंगे। तो लंबाई तो आपको उतनी ही लेनी है, 12 इंच, लेकिन अगर आप चौड़ाई चाहे तो कम कर सकते हैं। साथ में मैंने बुकरम लिया है और एक लाइनिंग के लिए कपड़ा। बुकरम की जगह आप फोम ले सकते हैं। बुकरम आपको आसानी से किसी भी जहाँ से सिलाई का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा। बुकरम को मैंने कपड़े के साथ चारों साइड से सिल लिया है। इस तरह से हमें पर्स बनाना है। तो जहाँ पे फोल्ड है करीब 4.5 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है पॉकेट के लिए। तो 4.5 इंच पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने 4.5 इंच पे दो लाइन ड्रॉ कर ली है। अब कार्ड होल्डर के लिए हमें एक स्ट्रिप बनानी है। तो दो कपड़े मैंने लिए हैं और उसके बीच में मैं बुकरम रखूंगी और इसे हम चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। कार्ड के साइज का आपको लेना है, ये लगभग 2.5 इंच है और लंबाई आपको बैग जो पर्स बना रहे हैं उसी की हिसाब से लेना है। इसे मैंने थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और ऊपर की साइड से हम पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे, दोनों स्ट्रिप को रेडी कर लेंगे। एक स्ट्रिप को मैंने इस तरह से सिल दिया है और उसके थोड़ा नीचे हम दूसरे स्ट्रिप को सिलाई कर लेंगे। उसके बाद दोनों साइड और बीच में भी सिलाई कर लेंगे तो चार पॉकेट बन जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई करके पॉकेट को बना लिया है। पॉकेट बन गए हैं। अब हमें जिप वाली पर्स में हम एक जिप वाली पॉकेट बनाएंगे। उसके लिए कपड़ा हमें जो लेना है वो 6.5 इंच लंबा मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े की चौड़ाई हमें 8 इंच करीब लेनी है। यहाँ पे कपड़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, बाद में मैंने इसकी कटिंग कर दी है। दोनों साइड हम जिप लगा लेंगे। जिप में रनर मैंने डाल दिया है और जिपर पॉकेट बन गई है। अब जो मेन फैब्रिक है उसे हमें लेना है और इस तरह से उसके ऊपर हम अंदर वाला पीस रख लेंगे और दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। हल्के से कॉर्नर में मैं गोलाई दे दे रही हूँ। ये बैक का फ्लैप है, ऊपर का पार्ट है, तो इसमें हल्के से कोने में हमने गोलाई दे दी है। अब सेंटर से मार्क कर लीजिए। इसमें हम मैग्नेटिक बटन लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें वेलक्रो भी लगा सकते हैं या फिर कोई सिंपल सा बटन भी लगा सकते हैं। मैग्नेटिक बटन लगाने के लिए कपड़े में दो हमें कट लगाने हैं, उसके बाद हम बटन लगा लेंगे। ऊपर से 1 इंच की दूरी पे मैंने बटन लगाया है। नीचे बटन लगाने के लिए बैग को हम फोल्ड करके देख लेंगे और उतनी ही दूरी पे मार्क करके हम बटन लगा लेंगे। ऊपर का बटन लग गया है, नीचे का बटन हम इस तरीके से मार्क करके लगा लेंगे। यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है। अब देखिए, यहाँ मैंने बटन लगा लिया है। अब जो जिप वाली पॉकेट हमने बनाई है उसको साइड से हम छोटी स्ट्रिप से जोड़ेंगे, उसके बाद हम पर्स में से लगाएंगे। तो जितनी भी इसकी ऊंचाई है उसे थोड़ा ज़्यादा हमें लेना है। ये देखिए, ये नीचे से बुकरम मैंने 4.5 इंच का बुकरम लिया है और बुकरम की चौड़ाई 3.5 इंच है। कपड़े के बीच में हम बुकरम को रखेंगे और कपड़े का जो खुला भाग है उसे फोल्ड करके सिलाई करके दो पीस हम ऐसे बना लेंगे। साढ़े 4 इंच लंबा और
करीब 8 इंच लंबा मैंने कपड़ा लिया है, 4.5 इंच चौड़ा, और बीच में हमें बुकरम को रखकर सिलाई कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। ये देखिए 4.5 इंच वाला जो पार्ट है उसे हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और किनारे से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे, तिरछा मिलाकर कटिंग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि 2 इंच ये कम हो जाएगा ऊपर से, अब ये ऊपर से 2.5 इंच का रह गया, नीचे से 4.5 इंच का। दोनों पीस की हम कटिंग कर लेंगे। अब जिप वाली पॉकेट के साइड में हमें रखना है, स्ट्रिप के बीच में हमें पॉकेट के किनारे को रखना है और सिलाई कर लेंगे। यहाँ देखिए जो 4.5 इंच वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा, सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से बन गया है। अब बस हमें इसे पर्स में स्टिच कर लेना है, इस तरीके से रखेंगे किनारे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। दूसरे साइड भी स्ट्रिप को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है और अब इसके दूसरे साइड को भी हम पर्स के साथ स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ से रखते हुए हमें सिलाई कर लेना है। अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है और पर्स बनकर तैयार हो जाएगा। 1.5 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रिप काटी है, ये 2 स्टेप है, तिरछी पट्टी है। एक किनारे से शुरू करेंगे और दूसरे किनारे तक हम इसे वापस सिलाई करते हुए ले आएंगे। और स्ट्रिप की सिलाई करने के बाद जहाँ पर गोलाई है वहाँ पे हल्के हल्के कट लगा लेंगे। इसे जब पाइपिंग हम लगाएंगे, टर्न करेंगे, तो बहुत अच्छे से पाइपिंग लग जाती है। अब इसे हम दूसरे साइड इसे पलट लेंगे और कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई कर लेंगे, हाथ से या मशीन से, कैसे भी आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो पूरी गोलाई में हमें इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है और ये देखिए सुंदर सा पर्स बनकर तैयार हो गया है।